नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिलसिला बाजारों का में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाडी और सिलसिला बाजारों का में एक बार फिर से लेकर आ गया हूं आप सबके लिए कमोडिटी बाजार का अपडेट। जानेंगे कि आज शुक्रवार के दिन हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन कमोडिटी बाजार कैसा ट्रेड करता नजर आ रहा है, सुबह के कारोबारी सत्र में किस कमोडिटी के अंदर कितनी मंदी तेजी देखने को मिल रही है, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। रूपा जी, देख रहे हैं कैसे सीड का जनवरी वायदा 5980 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है, हल्की सी बढ़त है। आपको क्या लगता है, क्या आज कैसा सीड 6000 का आंकड़ा पार करने में या 6000 का आंकड़ा टच कर सकता है? क्योंकि हमने देखा है कि बीते 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन से कैसा सीड 6000 की ओर जाने की कोशिश तो कर रहा है लेकिन वहां पे सस्टेन नहीं हो पा रहा है। इसी बीच देखते हैं कि ऊपर से मुनाफा वसूली भी बन जाती है, तो आपको क्या लगता है, क्या कैसा सीड 5800 से 6000 की रेंज में अभी स्टक होकर रहेगा? देखिए, अगर 6000 के ऊपर निकलता है, और आज एक्सपेक्टेड है कि 6000 के ऊपर निकल सकता है, 6040 से 6060 के ऊपर की रेंज दिखाई दे रही है, आज देखने को मिल सकती है। और वहीं अगर 6000 के ऊपर निकलता है मार्केट तो 6100 से 6200 तक की भी तेजी पकड़ सकता है। तो यानी कि कैस्टेड में अभी जो रेंज बनती हुई दिखाई दे रही है वो 5800 से लेकर ऊपर में 6200 तक की रेंज फिलहाल बनती हुई दिखाई दे रही है। अभी भी करंट लेवल्स के ऊपर भी अगर इसमें बाइंग करना हो तो 5800 का स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा है लेकिन 5800 के आसपास के स्टॉप लॉस के साथ डिप पर इसमें अभी भी खरीदारी की जा सकती है। और 6200 से लेकर का लेवल जो है अभी इनिशियली हो सकता है कि अपने को नेक्स्ट वीक में देखने को मिले। 6200 तक फिलहाल रेंज बनती हुई दिखाई दे रही है जी। ये सर ऊपर जी बात करेंगे बिनौला खल की, तो बिनौला खल का जनवरी वायदा देख रहे हैं 2860 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है और 2868 का हाई लगा चुका है। रूपा जी देख रहे हैं बिनौला खल कल के मुकाबले आज हल्की बढ़त के साथ ट्रेड करता नजर आ रहा है। बीते कुछ ट्रेडिंग सेशन से देख रहे हैं कि बिनौला खल में 2800 के ऊपर की सस्टेनेबिलिटी देखने को मिली है और जो लेवल्स हैं वो भी धीरे धीरे 10-10, 15-15 पॉइंट्स अब उठते नजर आ रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या आने वाले कारोबारी सप्ताह में जिस हिसाब से बिनौला खल ने इस कारोबारी सप्ताह तेजी दिखाई है, तो क्या नेक्स्ट वीक 2900 की भी लेवल और उसके ऊपर की सस्टेनेबिलिटी देखने को मिल पाएगी? देखिए, इस वाले कारोबारी सप्ताह की अगर बात करें तो 2800 के ऊपर की अगर क्लोजिंग है और 2800 के ऊपर हम लगातार इसकी सस्टेनेबिलिटी देख रहे हैं, तो आप मान के चलिए कि अभी 2860 आज इंट्राडे में देखने को मिल रहा है, तो अभी 2880 तक एक्सपेक्टेड है कि आज ऊपर जा सकता है। यानी 20-30 पॉइंट के करेक्शन आज भी एक्सपेक्टेड है, देखने को मिल सकती है। और वहीं नेक्स्ट वीक की बात करें तो 2920 तक के लेवल एक्सपेक्टेड है कि मार्केट में देखने को मिल सकते हैं जी। तो यानी कि आज ऊपर में 2880 तक जा सकता है और नेक्स्ट वीक एक्सपेक्टेड है कि बिनौला खल रूपा जी के अनुसार 2920 तक जाता हुआ नजर आए। ये से रूपा जी बात करें अगर मसाला कॉम्प्लेक्स की, तो मसालों में देख रहे हैं कि कुछ ट्रेडिंग सेशन से यह जो कारोबारी सप्ताह रहा है मसालों में, शुरुआत से ही देख रहे हैं कि धीरे धीरे लोअर लेवल्स आते लगे हैं। देख रहे हैं धनिया का जनवरी वायदा 8500 के लेवल्स पर ट्रेड करता नजर आ रहा है। जीरा भी वही अपना 16200 के ऊपर है, सस्टेन हो रखा है। और हल्दी में भी कुछ नरमी देखने को मिली है। ऐसे में आपको क्या लगता है, आने वाला कारोबारी सप्ताह भी क्या मसालों के लिए ऐसी नरमी वाला रहेगा? मसालों के अंदर पॉजिटिव देखने को मिल सकता है, मार्केट तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है। स्पेशली मुझे लगता है कि हल्दी और धनिया, इन दो कमोडिटीज में तेजी आ सकती है। आज जरूर गिरावट देखने को मिल रही है, इस गिरावट के अंदर फिलहाल खरीदारी की रणनीति बना सकते हैं। मुझे लगता है कि 8400 के आसपास अगर धनिया, यानी कि 8500 के आसपास भी इसमें बाइंग की जा सकती है। और वहीं अगर बात करें, जीरा भी अच्छा लग रहा है यहाँ से, अभी जीरा 16000 के ऊपर है, तो आप मान के चलिए कि 16500 से 800 तक का स्तर जीरे में भी संभव है। और वहीं अगर हल्दी की बात करें तो नीचे में हल्दी का जो लेवल बनता दिखाई दे रहा है वो 8800 है और ऊपर में 9200 है। 9200 के ऊपर निकलती है तो हल्दी भी एक लंबी तेजी की तरफ जा सकती है, लेकिन फिलहाल थोड़ा करेक्शन है। आज इंट्राडे में बाजार 50-100 रुपए की करेक्शन हल्दी के अंदर भी देखने को मिल सकती है जी। ये सर ऊपर जी बात करें अगर ग्वार कॉम्प्लेक्स की, तो देख रहे हैं कि ग्वार गम का जनवरी वायदा 11250 के ऊपर ट्रेड करता नजर आ रहा है और ग्वार सीड का जनवरी वायदा 6175 पर, लेकिन 6208 का हाई भी लगा चुका है। रूपा जी, हम देख रहे हैं कि बीते कुछ ट्रेडिंग सेशन से ग्वार गम और ग्वार सीड एक रेंज में देखने को मिल रहे हैं। 11000 के ऊपर तो है, सुबह को देखते हैं कि थोड़े हल्की सी करेक्शन रहती है लेकिन शाम होते होते देखते हैं कि तेजी भी बनती नजर आती है। तो ये जो दौर देखने को मिल रहा है इंट्राडे वाला ग्वार में, काफ़ी ट्रेडिंग सेशन से देखने को मिल रहा है। ऐसे में आपको क्या लगता है, ग्वार में आगे कैसा रुझान रहेगा?
देखिए ग्वार में अभी फिलहाल पॉजिटिव ही मार्केट दिखाई दे रहा है, और जिस हिसाब से हम कच्चे तेल में रिकवरी आते हुए देख रहे हैं उसका सीधा असर जो है ग्वार की कीमतों पर भी देखने को मिल रहा है। तो 11,500 से 11,800 ग्वार गम की रेंज बन सकती है, और सीट की बात करें तो 6320 तक ऊपर एक बार फिलहाल जाता हुआ दिखाई दे सकता है। जी ये सर ऊपर जी बात करेंगे सोयाबीन की, तो सेबी द्वारा कमोडिटीज बैन करने का असर हमने सभी कमोडिटीज पर पड़ते देखा था, सोयाबीन पर भी उसका इम्पैक्ट आया था, नीचे में 5600-5700 तक के भी लेवल्स हमने सोयाबीन में आते हुए देखे थे, लेकिन फिर वहां से देख रहे हैं कि कल से रिकवरी बननी शुरू हो गई है, और सोयाबीन में कल को हमने लगभग 5% का ऊपरी सर्किट भी लगते देखा है, और आज देख रहे हैं कि 6200 के ऊपर की ट्रेडिंग देखने को मिल रही है सोयाबीन के अंदर। ऐसे में आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में सोयाबीन की क्या रेंज रहेगी? देखिए सोयाबीन के अगर रेंज की बात करें तो ऊपर में 6300-6350 मैक्सिमम एक अपसाइड है जो वो देखने को मिल सकता है, और नीचे में 5800 है। तो यानी 5800 से लेकर मान के चलिए मैक्सिमम तेजी अभी फिलहाल 6400 तक हो सकता है कि देखने को मिले। ना तो बहुत ज्यादा अपसाइड मोमेंटम एक्सपेक्टेड है अब यहाँ से, और ना ही बहुत ज्यादा गिरावट की उम्मीद है। बाजार एक रेंज में फिलहाल घूमता हुआ दिखाई दे सकता है नेक्स्ट वीक में भी, और जिस तरीके से ट्रिगर निकल कर आए हैं और वापिस जैसे बाजारों ने वापसी की है, फंडामेंटल काफी सपोर्टिव था, लेकिन सरकार के द्वारा उठाए गए ये कदमों की वजह से हमने देखा कि थोड़ा सा बाजारों के अंदर करेक्शन आया और सोयाबीन लुढ़क गई। लेकिन वहां से अगेन से फिर पोजिशन खड़ी होनी शुरू हुई और उसको 6200 तक का मार्केट हमने आते हुए देखा है। लेकिन अब यहां से जो तेजी है वो लिमिटेड हो सकती है, 6300 से लेकर 6400 मैक्सिमम अपसाइड देखने को मिल सकता है। फिलहाल के लिए ये रेंज बनती हुई अगले हफ्ते के लिए दिखाई दे रही है। जी रूपा जी कुछ दर्शक जुड़े हुए हमारे साथ, इनमें से एक हैं रनीपा जय जी, जिनका सवाल लगातार कैसर को लेकर आ रहा है। ये जानना चाह रहे हैं कि क्या कैसे सीड में लोअर लेवल 5300 का भी देखने को मिल सकता है? देखिए अभी 5300 का लेवल तो नहीं एक्सपेक्टेड है बाजारों में अभी यहाँ से, तो मुझे लगता है कि बाजार जो है वो रेंज दिखाएगा 5800 से 6000-6200, इस रेंज में फिलहाल घूमता हुआ दिखाई दे सकता है। जी रूपा जी हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं रूपाराम गोडारा जी, जिनका सवाल कपास को लेकर आ रहा है और खल को लेकर आ रहा है। ये जानना चाह रहे हैं कि कपास में और कपास खली में ऊपर के लेवल्स क्या रहेंगे और नीचे के लेवल्स क्या रहेंगे? देखिए लेवल्स की बात करें तो अभी थोड़ा पॉजिटिव है कपास खली भी और कपास भी, और कपास खली में नीचे का अगर लेवल की बात करें तो 2700 के आसपास का सपोर्ट है, और ऊपर में हमें लग रहा है कि एक बार 3000 तक बाजार टच हो सकता है। वहीं अगर हम कपास की बात करें तो अभी 32000 के ऊपर जैसे कि वायदा में निकल चुका है कॉटन, तो मुझे लगता है कि अभी तेजी की तरफ ही रहने वाला है, और आप मान के चलिए कि जनवरी के 10-15 दिनों तक मार्केट में जो है वो तेजी ही बनी रह सकती है। दिसंबर एंड के बाद जनवरी के मंथ जो है वो हाफ मंथ में अपसाइड मोमेंटम ही रह सकता है, और अपसाइड जो है एक्सपेक्टेड है कि बिनोला खल 3000 तक के लेवल छू सकता है। जी ये सर जी बात करें अगर मेंथा की, तो मेंथा में आपको क्या लगता है मेंथा में आज इंट्राडे में क्या लेवल्स रहेंगे और कैसा ट्रेडिंग देखने को मिल सकती है? देखिए मेंथा ऑयल की अगर बात करें तो मेंथा में थोड़ा सा पॉजिटिवनेस मार्केट बनता हुआ अभी से वो दिखाई दे रहा है, लेकिन ज्यादा तेजी की उम्मीद नहीं है। बाजार काफी समय के बाद करेक्शन के बाद थोड़ा सा संभले थे, और अभी जब मार्केट जो है 1000 के ऊपर अगर निकलती है तो वहां पर आप मान के चल सकते हैं कि आपको थोड़ा सा अपसाइड मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे सकता है। और अभी के लिए मुझे लगता है कि मेंथा के अंदर बाजारों के अंदर थोड़ा सा दबाव बना रह सकता है। नीचे में जो रेंज है वो 960 है, और ऊपर में 1000 के ऊपर निकले तभी 1060 तक की तेजी बनती हुई देख सकते हैं। तो आज इंट्राडे में एक्सपेक्टेड है कि 972 तक लुढ़क सकता है। जी यही से रूपा जी शुक्रवार का दिन है, हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है, आपसे जानना चाहेंगे कि अगला कारोबारी सप्ताह ओवरऑल सभी कृषि जिंसों के लिए कैसा साबित हो सकता है? आने वाला कारोबारी सप्ताह में कृषि फसलों में तेजी रहेगी या मंदी? देखिए मिला जुला सा रुझान फिलहाल कॉमोडिटीज के अंदर देखने को मिल सकता है अगले हफ्ते, और कुछ छुट्टियों का भी माहौल है, इस वजह से बाजारों में एक सीमित रेंज एक्सपेक्टेड है देखने को मिल सकती है। और जो तेजी का रुझान है वो मुझे लगता है कि कपास की कीमतों में देखने को मिल सकता है। कपास और ग्वार ये दो कॉमोडिटी ऐसी हो सकती है जो अगले हफ्ते तेजी के साथ कारोबार करती हुई दिखाई दे सकती है, और बिनोला खल में भी एक अपसाइड मोमेंटम बना रह सकता है। जी रूपा जी आखिरी सवाल रहेगा मेरी आपसे, टॉपिक्स क्या रहेंगे आपकी तरफ से आज के लिए? देखिए आज मुझे लगता है कि बिनोला खल में ही बाइंग में रहना चाहिए, 2880 तक ऊपर में स्तर संभव है देखने को मिल सकता है। वहीं ग्वार के अंदर तेजी बन सकती है, ग्वार में भी खरीदारी करके चला जा सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए।
तो रूपा जी की तरफ से दो टॉपिक्स रहेंगे, बिनौला खाल और ग्वार। रूपा जी ने जो लेवल्स दिए हैं आप उन लेवल्स पर खरीदारी करके मुनाफा कमा सकते हैं। तो फिलहाल सिलसिला बाजार का मैं अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन आपका इंजॉय करें क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यहीं बना हुआ है मार्केट एमसीवी पर।